तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ले लिए हैं पीयूसी पाइप, ये 4 इंच का पीयूसी पाइप है। उसके बाद इसको लगभग 6 इंच की दूरी में हम काट रहे हैं, वो भी आधा काट रहे हैं, पूरा मत काटिएगा, आधा इसको काटना है। छः इंच की दूरी में हम काट रहे हैं। उसके बाद कटे वाले हिस्से को हमने हल्का सा गर्म कर रहे हैं हम लोग, जहाँ जहाँ पे कटा है वहाँ पे हल्का सा गर्म कर रहे हैं। उसके बाद एक लकड़ी का बत्ता लेके, ये गोल वाली, इससे हम हल्का सा प्रेस कर रहे हैं जिससे ये मिट्टी रुकने लायक जगह बन सके और आसानी से ऐसा डिज़ाइन ये बन जाएगा। और ठंडा होने तक रखिएगा। उसके बाद हम सेकंड वाले होल में फिर से लकड़ी का ये गोल वाला बत्ता लेके फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये वाले डिज़ाइन। और थोड़ा सा हवा दीजिएगा जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए, पंखे के पास रखिएगा तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद ये ठोस हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा। लगभग सभी होल को हमने बना लिया है और आप देख रहे हैं कि ये सुंदर सा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें एक गमले में इसको लगाया है और इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल रखे हैं, मिट्टी रहेगा नॉर्मल मिट्टी, और इसमें हल्का सा रेत डालें, राइस हस्कर डालें, वर्मी कंपोस्ट, और पानी डालने के बाद इसमें हम पार्चुलाका का प्लांट को लगा रहे हैं और ये आसानी से लग जाता है दोस्तों। धीरे धीरे हमने फॉर्चुल का फ्लावर को सभी तरफ लगा दिए हैं और पर्याप्त मात्रा में हमने फिर से पानी डाल दिए हैं इसमें। और ये आसानी से लग जाता है। लगभग 15 दिन बाद का ये व्यू हम दिखा रहे हैं। लगभग 15 दिन के बाद ये मस्त बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग किया है और इस पाइप को हमने एक पेंटिंग भी किया है और एक बम्बू का रूप दिया है। और आप देख रहे हो कि सुंदर सा फ्लावरिंग ये कर चुका है। और ध्यान रखिएगा कि फॉर्चुलका को, इसका फ्लावर को धूप में रखना पड़ता है, ये छाँव वाली जगह में रखने का नहीं है फ्रेंड्स। पर्याप्त धूप, 4-5 घंटे की धूप पड़ेगा तभी ये इसमें फूल खिलेंगे। तो आप भी फॉर्चुलाका का प्लांट को ऐसा सुंदर सा प्लांटर बना के रख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाला वीडियो आप लोग को मिलता रहे। और भी हम नए नए वीडियो लेके आते रहते हैं। थैंक यू।